555 timer IC with base, 47k variable resistor, 188 transistor, 547 transistor, 1 3 pole switch, 0.5 watt, 8 ohm speaker, some resistors, 0 PCB, 9 volt battery with connector. सबसे पहले पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन क्रिएट कर लेंगे जीरो पीसीबी पे. सारे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इसी में कर लेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव लाइन क्रिएट कर लिया, सारे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इसी में करेंगे हम. टाइमर आईसी हमारे पास 555 आईसी बेस माउंट कर लेंगे जीरो पीसीबी पे. आईसी बेस माउंट कर लिया, टाइमर आईसी है, पिन नंबर 4 और 8 को पॉजिटिव कनेक्शन कर लेंगे और फर्स्ट को ग्राउंड करना है. पिन नंबर 4 और 8 को पॉजिटिव कनेक्शन, फर्स्ट को ग्राउंड कर दिया आईसी का. पिन नंबर 5 को कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर देंगे 0.01 माइक्रोफैरड. पिन नंबर 5 को कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव से 5.5k का रेजिस्टेंस लेंगे और वेरिएबल के थ्रू 10.2 का कैपेसिटर कनेक्ट करते हुए ग्राउंड कर देंगे. रेजिस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटर ग्राउंड. रेजिस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में. जो वेरिएबल का थर्ड पिन है उसको टॉप साइड कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस और वेरिएबल के बीच में कनेक्ट करना है थर्ड पिन को. आईसी के पिन नंबर 7 को रेजिस्टेंस और वेरिएबल के बीच में कनेक्ट करना है और जो वेरिएबल का थर्ड पिन है उसे भी कनेक्ट करना है उसी में लाइन में. पिन नंबर 7 को वेरिएबल के बीच में कनेक्ट कर दिया और वेरिएबल के थर्ड पिन में. पिन नंबर 2 और 6 को वेरिएबल कैपेसिटर के बीच में कनेक्ट करना है. पिन नंबर 2 और 6 को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर वेरिएबल के बीच में. कलेक्टर बेस एमिटर 547 ट्रांसिस्टर होल्ड करेंगे. ट्रांसिस्टर जो कलेक्टर है 2.2 के रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में और एमिटर में 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड कर देंगे. बेस कनेक्शन हम बाद में करेंगे पिन नंबर 3 के साथ. ट्रांसिस्टर कनेक्ट कर दिया 547 कलेक्टर में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके पॉजिटिव कनेक्शन, एमिटर में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके नेगेटिव कनेक्शन. अब बेस को कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 से 100k के रेजिस्टेंस के साथ. बेस को आईसी के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करेंगे 100k रेजिस्टेंस 100k रेजिस्टर के साथ. रेजिस्टेंस के थ्रू रेजिस्टर के थ्रू बेस कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 को 100k के रेजिस्टेंस के साथ. ट्रांसफर कनेक्ट करेंगे 188 जो एमिटर है पॉजिटिव में कनेक्टेड है. कलेक्टर को करेंगे स्पीकर साथ कनेक्ट. अभी हम सिर्फ ट्रांसिस्टर सोल्डर करेंगे. ट्रांसिस्टर जो कलेक्टर है उसको पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, बेस को ट्रांसिस्टर कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे. कलेक्टर रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट करेंगे बेस को. ट्रांसिस्टर को जो एमिटर था उसको पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया, बेस को कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया 547 ट्रांसिस्टर के रेजिस्टेंस के बीच में. और जो एमिटर है इसे स्पीकर कनेक्ट करेंगे, जो कलेक्टर है इसे स्पीकर कनेक्ट करेंगे कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव. कम्युनिकेशन कर लिया कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, स्पीकर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव. उससे पहले हम ये कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे बेस से कलेक्टर के बीच में 0.02 माइक्रोफैरड. कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया बेस से कलेक्टर में 547 ट्रांसिस्टर के बेस से कनेक्ट किया है कैपेसिटर को ट्रांसिस्टर के कलेक्टर में. ट्रांसिस्टर का जो कलेक्टर है 188 ट्रांसिस्टर का जो कलेक्टर है इसमें और ग्राउंड में स्पीकर कनेक्ट कर देंगे. हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है. 0.5 वाट 8 ओम स्पीकर कनेक्ट करेंगे इसमें. सर्किट कंप्लीट हो चुका है. अब सिर्फ 9 वोल्ट कनेक्ट करेंगे. 9 वोल्ट कनेक्टर कनेक्ट करेंगे इसमें और सप्लाई ऐड करेंगे. स्विच ऐड करना है इसमें. वायरिंग कंप्लीट हो चुका है. हमें सिर्फ स्विच ऐड करना है. हमें 3 पोल स्विच कनेक्ट करेंगे यहाँ पे. जो साइड के पिन है इनमें एलईडी कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड कर देंगे और सेंटर वाले को पिन नंबर 30 से कनेक्ट करेंगे.
पिन नंबर थर्ड को सेंटर से कनेक्ट किया, साइड वालों में एलईडी कनेक्ट किया, साइड जो पोल्स हैं एलईडी कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। ये ग्राउंड कनेक्शन आगे के लिए कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, और ये एलईडी है ग्राउंड और स्विच में, यहाँ पे भी एलईडी है ग्राउंड और स्विच में, कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं 9 वोल्ट कनेक्टर यूज करूंगा इसमें, सर्किट कम्प्लीट हो गया, अब मैं 9 वोल्ट कनेक्टर कनेक्ट करूंगा इसमें, सप्लाई एड करके देखेंगे